হাংজো এশিয়ান গেমসর আজি সপ্তমটো দিন এশিয়ান গেমসর ভারতীয় খেলুৱৈ আশাপ্রদ প্রদর্শন আজি রিঙত নামিব অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই মহিলার বক্সিংৰ 75 কেজি শাখার কোয়ার্টার ফাইনেলত যুঁজিব লাভলীনাই সমান্তরালভাবে ভারোত্তোলনত শক্তি প্রদর্শন করব মীরাবাই সানুয়ে বর্তমানলৈকে সোণৰ পদক 8টা রূপৰ পদক 12টা আর ব্রঞ্জৰ পদক 13টা সহ মুঠ 33টা পদকেৰে তালিকাৰ চতুর্থ স্থানত আছে ভারত আর চীনৰ হাংঝৌৰ এশিয়ান গেমসত যেহেতু উপস্থিত হৈছেগৈ প্রতিদিন টাইমৰ সাংবাদিক প্রাঞ্জল প্রতিম দাস গতিকে আজি দিনটো যেহেতু কেইবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খেল আছে কেইবাখনো গুরুত্বপূর্ণ খেল আছে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই আজি খেল আছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্রতিবেদন প্রাঞ্জল প্রতিম দাসৰ এইবার এশিয়ান গেমসত ভারতের কারণে বৃহৎ সফলতা আছে শ্যুটিংত আর শ্যুটিং টিমটোর ব্যক্তিগত শাখাসমূহ উপরও দলীয় শাখাটো ভারতে ভাল প্রদর্শন করেছে। অখিল চুরিয়ান আছে এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে। ফার্স্ট অফ অল কংগ্রেচুলেশন টু ইউ এন্ড গ্রুপ ইভেন্ট এন্ড আপলোগোনে পুরা কোশিশ কিয়া থা তো যা প্রাইজ এনাউন্স ইয়ে হওয়া আপলোগ কা ডিক্লেয়ার হওয়া তো ক্যা এক মোমেন্ট আতা হ্যায় উসমে কেসা ফেল হওয়া থা? सर काफ़ी खुशी होती है स्पेशली जब आप टीम गोल्ड जीतते हो, बट जब हमने देखा कि हमने एक रिकॉर्ड बना दिया है तो उसकी एक अलग खुशी थी। मेरा थोड़ा सा मैं दुखी था क्योंकि मैं पाँचवें नंबर पे रह गया था और रूल के हिसाब से फाइनल नहीं खेल सकता था, थोड़ा सा दुखी था। बट जब मैंने अपने मेडल देखा कि गोल्ड जीत लिया है और रिकॉर्ड के साथ, तो सारा दुख भूल के काफ़ी खुश था। एंड सेकेंड थिंग, एक जब टीम वर्क होता है क्योंकि यहाँ पे एक टीम वर्क काम करता है, तो ये जो बॉन्डिंग एंड टीम वर्क आप लोग ने दिखाया ये बहुत ही एक मिसाल बन के रह गया है, तो उसके लिए कितना प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ा आप लोगों को? सर काफ़ी सालों से हम इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं और हर साल अच्छे से अच्छे कॉम्पिटिशन में जाके अपने इन चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और बाकी हर कंपटीशन से पहले कैंप वगैरह लगते रहते हैं जिसमें हमें और अच्छे से तैयारी करने को मौका मिलता है, टास्क मिलते हैं, हमारे पास सपोर्ट स्टाफ होता है जो हमें और अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। वी हैव असैरा हम लोग के साथ है, तो मैं असैर को भी बुलाना चाहता हूँ। इट्स ए दे आर रियली एवं लोग दूजने आज जी दलियों शाखा भारत कारण पुरस्कार कहिया आनी से जी सोनाली रंग भारत कारण लिसे और भारतीय पताक ऊपर दांगी धरीसे गोटे विश्व आगत एशियान गेम्स। फार्ष्ट अफ अल कंग्रेचुलेशन एंड प्रेसार था लेकिन फिर भी जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया रहा, तो देशवासी को यहाँ से हंगजो से क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं अपने इंडियंस को बोला थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया है, हमारे लिए इतना प्रे करा है जिससे आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इतने मेडल जीते हैं हमने इंडिया टीम ने, तो मैं उन सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। ये जो शूटिंग टीम का हमने देखा है परफॉर्मेंस इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो ओलंपिक के लिए टीम कितना मजबूत हो रहा है? बिल्कुल सर, अभी एशियन गेम्स में जितने हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाया है आई डोंट थिंक इसके पहले किसी ने इतने एक ही इवेंट में इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए और इतने गोल्ड मेडल जीते हैं। और कोशिश ये रहेगी कि सर अब जितना हमने यहाँ परफॉर्म करा उससे काफ़ी अच्छा हम ओलंपिक्स में परफॉर्म करा। और जो अभी न्यू जनरेशन है जो शूटिंग में आना चाहता है, इन लोगों के लिए आप लोग का मैसेज क्या रहेगा क्योंकि आप लोग हीरो बन चुके हैं पूरे देश में? शूटिंग एथलीट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, कि जैसे अभी आजकल के जितने भी नए नए एथलीट्स हैं उन सबको एक चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ेगी कि जो आपके स्कोर्स है जो गोल्स है वो इतनी इजीली अचीव नहीं होते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस के साथ टाइम देना पड़ेगा, आप समय देंगे तभी आपके गोल्स पूरे होंगे। थैंक यू, थैंक यू। और निश्चय के या खूब भारत कारण भारतीय दल दुजन के सदस्य अभी लग पाई खूबे सूखी और सचाके जी आदर्श बद देखे आम आशा कर ভারতীয় দলটোয়ে শ্যুটিং দলটোয়ে অনাগত যিসমূহ খেল আহি আছে ভারতীয় শ্যুটার অখিল চুরিয়ান আর আশ্চর্য প্রতাপ সিং আর তেখেতসকলের কিছু আছুতীয়া সাক্ষাৎকার আমার সাংবাদিকর। আর এইবার যেহেতু এশিয়ান গেমসত ভারতীয় শ্যুটার সকলে যথেষ্ট আশাপ্রদ প্রদর্শন করেছে আর তাকে সকলো সুখী আর বিশেষ এবার কেইবাটাও পদক অর্জন করবলে সক্ষম হয়েছে ভারতীয়।